आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। अयोध्या फैसले के वक्त अदालत में मौजूद वह बंदर कौन था? जज को भी करना पड़ा था प्रणाम। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। ऐसे में आज उस बंदर की कहानी जो अयोध्या फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद था। दरअसल 1 फरवरी 1986 की शाम 4:44 बजे उस वक्त के जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने विवादित मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया था। जब जज साहब फैसला पढ़ रहे थे तब वह काला बंदर चुपचाप बैठा था। आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। हर वक्त की सबसे बड़ी और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फैसले के बाद ही उस काले बंदर को वहां से जाते देखा गया था। अयोध्या में सालों तक टेंट में रहने वाले रामलला अब अपने भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। 22 जनवरी को राम भक्तों का इंतजार खत्म हो रहा है। इसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में राम मंदिर बनने की पटकथा काफी उलझी रही है। कानूनी जंग दशकों तक चली। जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और आखिरकार राम भक्तों के पक्ष में फैसला आया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद से लेकर भव्य राम मंदिर बनने तक के सफर में एक काले रंग के बंदर की भूमिका को भी कुछ लोग दैवीय शक्ति मानते हैं। आज उसी बंदर की कहानी जिसे देखकर जज साहब ने भी हाथ जोड़ ली थे, हर जगह देखा गया था, वह बंदर 1 फरवरी 1986 को अयोध्या की सुबह कुछ अलग थी। उस दिन न केवल अयोध्या वासी बल्कि देश दुनिया की नजर फैजाबाद जिला अदालत के फैसले पर टिकी थी। सुबह से ही लोग अदालत पहुंचने लगे थे और फैसला सुनने को बेताब थे। पुलिस प्रशासन से लेकर आम लोगों की मौजूदगी से अदालत में पैर रखने की जगह नहीं थी। खचाखच भीड़ में अदालत में मौजूद लोगों की नजर एक काले रंग के बंदर पर टिकी थी जो फैसले के वक्त वहीं मौजूद था। दावा किया जाता है कि वह बंदर अदालत में सुनवाई शुरू होने से लेकर जिला जज के एम पांडे यानी कृष्ण मोहन पांडे के घर जाने तक हर जगह देखा गया था। दैवीय बंदर ने कुछ भी नहीं खाया। 1 फरवरी 1986 की शाम 4:84 बजे उस वक्त के जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने विवादित मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया था। जब जज साहब फैसला पढ़ रहे थे तब वह काला बंदर चुपचाप बैठा था। फैसले के बाद ही उस काले बंदर को वहां से जाते देखा गया था। उस वक्त के जिला जज के एम पांडे ने 1991 में छपी अपनी आत्मकथा वॉइस ऑफ कॉन्शियंस में लिखा है, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे पर बंदर ने कुछ न छुआ और न खाया, चुपचाप बैठा रहा। मेरे आदेश सुनाने के बाद ही वहां से गया। फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी मुझे मेरे घर पहुंचाने आए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैवीय ताकत थी। पत्रकार हेमंत शर्मा ने भी इसका जिक्र किया है। आदेश के वक्त चुपचाप था बंदर। फैसले वाले दिन जिला जज के एम पांडे के साथ करीब करीब बताने वाले फैजाबाद के तत्कालीन सीजेएम सीडी राय भी इस बात की पुष्टि करते हैं। उनका भी कहना है कि फैसले वाले दिन सुनवाई शुरू होने से पहले एक बंदर अदालत में लगने वाले झंडे को पकड़े खड़ा रहा। जज साहब जब अदालत में दाखिल हुए तो उनकी नजर उस काले रंग के बंदर पर पड़ी और उसे भगाने की कोशिश भी हुई मगर वो बंदर वहीं झंडा पकड़े खड़ा रहा। रिटायर जज पांडे उस काले बंदर को कोई दैवीय शक्ति मानते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ हद तक उनके फैसले को उस बंदर ने जरूर प्रभावित किया। जब फैसले वाले दिन वह घर गए थे तो उस कोर्ट रूम वाले काले बंदर को देखकर वह हतप्रभ थे। हालांकि उन्होंने उसे कोई दैवीय शक्ति मानकर प्रणाम किया था। हालांकि ऐसा दावा किया जाता है कि फैसला सुनने और ताला खुलने के बाद उस काले बंदर को कहीं नहीं देखा गया। दोस्तों आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। हर वक्त की सबसे बड़ी और ताजी खबर के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।